हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी है इंदौर, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण में हमेशा टॉप करती है इंदौर, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नर, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन, ठीक है, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, जो कि हाल ही में बने थे, इसके पहले कमलनाथ जी थे, ठीक है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 230, ठीक है, और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29, ठीक है, और राज्यसभा की सीटें हैं 11, ठीक है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो जबलपुर में है, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एरिया, ठीक है, एरिया वाइज अगर देखें तो मध्य प्रदेश का रैंक है 2, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है राजस्थान, सेकेंड नंबर पे है मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र, ठीक है, तो आपको 1, 2, 3 तीनों भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश का 5th रैंक है, ठीक है, एक नंबर पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है बॉर्डर, ठीक है, तो मध्य प्रदेश स्टेट इंडिया के सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है, आपको मैप के जरिए दिख ही रहा होगा, ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर लगी हुई है स्टेट्स की, ठीक है, तो ऐसे टोटल 5 स्टेट्स है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। तो ये जो रेड पोर्शन है ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है, मध्य प्रदेश के वेस्ट में ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये गुजरात है। मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में ये वाला जो पोर्शन है ये राजस्थान है। मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, और मध्य प्रदेश के साउथ ईस्ट में ये वाला जो है ये छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, ठीक है, और मध्य प्रदेश के जो साउथ के अंदर है ये महाराष्ट्र है, ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार बॉर्डर के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है, तो फर्स्ट है खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स जो कि बुंदेलखंड में है, ठीक है, और ये चंदेला डायनेस्टी ने बनवाए थे, ठीक है, यहाँ पे हिंदू और जैन दोनों धर्म के टेम्पल्स है, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव टेम्पल जो कि खजुराहो का ही लार्जेस्ट टेम्पल है, ठीक है, ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची, ठीक है, जिसको हम सांची स्तूपा भी कहते हैं, ये भोपाल में है और इसको मौर्य एम्परियर अशोका ने बनवाया था, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, ठीक है, ये एक केव है, गुफा, ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है चतुर्भुज टेम्पल एट ओरछा, ठीक है। नेक्स्ट है ओमकारेश्वर टेम्पल जो कि गॉड शिवा का टेम्पल है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लालबाग पैलेस जो कि इंदौर में है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्वालियर फोर्ट जो कि ग्वालियर में है, ठीक है। नेक्स्ट है जहाज महल जो कि मांडू में है। नेक्स्ट है जयविलास पैलेस जो कि ग्वालियर में है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क, ठीक है, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो फर्स्ट है बांधवगढ़, ठीक है, सेकंड है कान्हा, थर्ड है सातपुड़ा, फोर्थ है संजय नेशनल पार्क, फिफ्थ है माधव नेशनल पार्क, सिक्स्थ है वन विहार नेशनल पार्क जो कि भोपाल में ही है, सेवन्थ है मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है, एट्थ है पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है, पन्ना में डायमंड की माइंस भी है, ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाइन्थ है पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क एमपी में भी है और महाराष्ट्र में भी है, ठीक है, तो इसको ऑप्शन में देख के टिक करिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो फर्स्ट है कान्हा टाइगर रिजर्व, सेकेंड है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, थर्ड है पन्ना टाइगर रिजर्व, फोर्थ है सातपुड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ठीक है, तो फर्स्ट है ओरछा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और नेक्स्ट है पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ठीक है। नेक्स्ट है डांस फॉर्म, ठीक है,
तो ये इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है, ठीक है? तो एक बार पढ़ लेते इसको। फर्स्ट है मटकी, नेक्स्ट है अहिराई, नेक्स्ट है बधाई, ठीक है, नेक्स्ट है बरेडी, नेक्स्ट है भगोरिया, नेक्स्ट है गंगौर और नेक्स्ट है नवरता, ठीक है? तो इसमें से मटकी, ठीक है, बधाई और गंगौर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है? तो फर्स्ट है बनासागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, सेकंड है बरगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्ड है ओमकारेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और फोर्थ है इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है? नेक्स्ट है थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है? तो फर्स्ट है संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन जो कि बीर सिंहपुर में है, सेकेंड है सातपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन जो कि सरनी में है, ठीक है, थर्ड है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि विंध्यानगर में है, ठीक है, और रिवर, ठीक है? तो फर्स्ट है बरगी डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है, ठीक है, नेक्स्ट है बनासागर डैम जो कि सोन रिवर पे है, ठीक है, नेक्स्ट है गांधी सागर डैम जो कि चंबल चंबल रिवर पे है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है मदिखेड़ा डैम जो कि सिंध रिवर पे है, ठीक है, नेक्स्ट है तवा डैम जो कि तवा रिवर पे है, नेक्स्ट है इंदिरा सागर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट रिवर और सिटी, ठीक है, तो चंबल रिवर के किनारे ग्वालियर सिटी है, ठीक है, और नर्मदा रिवर के किनारे जबलपुर सिटी है, ठीक है, नेक्स्ट शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन सिटी है, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, ठीक है, फर्स्ट है धुआधार फॉल्स, ठीक है, सेकंड है कपिलधारा फॉल्स, ठीक है, ये दोनों भी फॉल्स नर्मदा रिवर पे है, ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चाचई फॉल्स, ठीक है, नेक्स्ट है केवती फॉल्स, ठीक है, नेक्स्ट है रजत प्रपात फॉल्स, ठीक है, नेक्स्ट है गाथा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लेक्स, फर्स्ट है भोजतल लेक, ठीक है, सेकंड है लोअर लेक, थर्ड है अपर लेक, ठीक है, फोर्थ है मोटी लेक और फिफ्थ है सारंग पानी लेक। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टेडियम, ठीक है, तो फर्स्ट है रूप सिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर में है, सेकंड है होलकर स्टेडियम जो कि इंदौर में है, थर्ड है नेहरू स्टेडियम जो कि इंदौर में है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, तो फर्स्ट है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि भोपाल में है, सेकेंड है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो कि इंदौर में है, ठीक है, ये दोनों भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है राजमाता विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल जो कि ग्वालियर में है, ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, ठीक है। फोर्थ है दमना एयरपोर्ट जो कि जबलपुर में है, ये भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, ठीक है, यानी फसलें, ठीक है, अगर फसलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्राम और पल्सेस यानी चना और दाल का प्रोडक्शन काफ़ी होता है, ठीक है, और सोयाबीन का भी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो ये दोनों भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, ठीक है, तो खजुराहो का जो डांस फेस्टिवल फेस्टिवल है वो काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है भावभूति समारोह जो कि ग्वालियर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल एंड ओवर्स, ठीक है, तो मध्य प्रदेश इज़ द ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायमंड का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है और पन्ना में होता है, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, और ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर एंड इट्स ओवर भी है, ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हाईएस्ट माउंटेन पीक, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो धूपगढ़ पीक है जिसकी हाइट 4,429 फीट है और अगर मीटर में पूछेगा तो 1,350 मीटर है, ठीक है, जो कि सातपुड़ा रेंज में है और पचमढ़ी में है, ठीक है, तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी मध्य प्रदेश के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।